वायरस जी, स्वागत तो नहीं है आपका, पर इस कुर्सी से चिपक ही गए हो तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूं तो जो भी मैं पूछूं चुपचाप बताते जाओ। नाम क्या है तुम्हारा और कहां से आए हो तुम? मैं चीन से आया हूं और मेरा नाम कोरोना है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ऐसे तो मैं 8 से 9 घंटे में ही मर जाऊंगा। जो पूछना है जल्दी पूछो। और बीच में मौका पाके इस आदमी में घुस जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि जो ये बैठा है ना, ये एक जिंदा कोरोना वायरस है जिसको हमने पकड़ा है इस अखबार के नीचे से जो हमारे पास आ जाया था। आजकल सभी इसी की बात कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना वायरस को ही पकड़कर उसी से पूछ लिया जाए कि आखिर वो चाहता क्या है। तो कोरोना जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और आप यहां कैसे आ गए? जी, मैं चीन के एक उच्च कुल में पैदा हुआ था। उच्च कुल? जी हाँ, मैं बहुत महंगी लैब में पैदा हुआ हूँ। और दूसरे वायरस मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा बाप चमगादड़ है। देखो मेरी ओर, क्या मेरी शक्ल चमगादड़ जैसी है? ना ना, आप तो बिल्कुल अमीर वायरस जैसे दिखते हो। तो भारत में कैसे आना हुआ? बस जी, घूमता हुआ आ गया। बहुत सुना था भारत के बारे में, सोचा एक बार जा ही आते। वैसे घूमने का बहुत शौक है मुझे। चलिए, इससे काम की बात पूछते हैं। तो कोरोना जी, आप रहते कहाँ पे हैं? मैं जहाँ गंदगी दिखी वहीं चला जाता हूँ। एक काम की बात बताऊँ? हाँ हाँ, वही से बताइए। मत, मैं बहुत अच्छा वायरस हूँ। हाँ, आपके अच्छेपन की कहानियां बहुत सुन चुका हूँ। इटली में आपने कोहराम मचा रखा है। इटली? ओह, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। हाथ मिलाते हैं तो आपको क्यों खुशी होती है? अरे, हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैं एक आदमी से दूसरे आदमी के पास कैसे जाऊंगा? वो तो बुरा होगा मोदी का, जिसने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते को बोल दिया। मोदी का? और क्या, उसने तो सबको बता दिया कि हाथ मत मिलाओ, दूर से नमस्ते करो। मेरा तो सारा कारोबार ही ठप हो गया। बस हाथ ना मिलाए तो तुम मर जाते हो? नहीं, आज का लोग बहुत एडवांस हो गए। मैंने व्हाट्सएप पे कई तरीके देखे जिससे मैं हर जगह फैल सकता हूँ। कैसे तरीके? जैसे मैं किसी भी चीज पे 8 से 9 घंटे जीवित रह सकता हूँ। जैसे अखबार, बर्तन, दरवाजे की कुंडी, दूध की थैली और बिस्किट का पैकेट। पर तुम इन चीजों पे आते कैसे हो? अरे, मैं जिस आदमी में होता हूँ ना, वो कहीं चीख मार दे या खांस दे तो मैं उस सारी चीज पे बैठ जाता हूँ। अगर सामने आदमी हो तो बात ही क्या। आपको चिपक के दिखाऊं? नहीं नहीं, मेरे से दूर से बात। लेकिन ये मोदी, इसने सबको बता दिया है कि छिछे वक्त मुंह को ढक ले और लोग इसकी बात मान लेते। मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया। मोदी से खासी दुश्मनी लगती है तुम्हारी। और क्या, अभी मैंने सुना है कि 21 दिन के लिए पूरा भारत बंद कर दिया। सुना तो तुमने ठीक ही है। वो तो भला हो कुछ आदमियों का जो मोदी को कुछ कुछ मानते ही नहीं है। मानते थे वो अपने बाप को भी नहीं है, क्योंकि वो दिन भर बाहर घूमते हैं और उसके साथ साथ मैं बाहर घूमते लोग
मुझे बहुत पसंद है। बहुत। अरे यार ये बताओ तुम्हें किसी चीज से डर भी लगता है? अरे भाई ये जो तुमने बोतल ले रखी है ना हैंड सैनिटाइजर की, इससे तो मुझे बहुत डर लगता है। और साबुन, साबुन जो तुम्हें काम जाता हूँ उससे इन सब चीजों से दूर रखो मुझे। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे, मैं तो दोस्त हूँ। और किसी चीज से डर लगता है? इन डॉक्टरों का भी। ये लोग जैसे मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लोगों को मुझसे बचाने में लग जाते हैं, मुझे मारने में लग जाते हैं। और लोगों को देखो, मोदी के कहने पर डॉक्टरों के लिए शाम 5 बजे शंख और तालियां बजाते हैं। मैं बताऊं, मुझे तालियां और शंख से बहुत दूर रखो मुझे। अच्छा और क्या? वो तो भला हो उन लोगों का जो भीड़ में चलते हैं, जिससे मैं आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता। तो सुना आपने, इसे गंदगी पसंद है, भीड़ पसंद है, लोगों का मिलना जुलना पसंद है, और ये कहीं भी बैठ जाता है। और जब आप उस चीज को छूते हैं तो ये आपके अंदर घुस जाता है, समझे? बिल्कुल। हाथों को बार बार साबुन से धोएं, बाहर ना जाएं, भीड़ इकट्ठा ना करें, और बाहर से आई हुई चीजों को जैसे दूध का पैकेट या और कोई बंद पैकेट को सर्फ या साबुन से अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। इस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए सरकार द्वारा बताए गए उपाय अपनाइए, अपने और अपने परिवार को इस कोरोना से बचाइए। बाकी इसका इलाज तो मैं कर देता हूँ।